हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मुकेश मंडल और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर जाकर लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाएंगे कि क्या मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिली या नहीं मिली। करावल नगर की बात कर रहे हैं हम, करावल नगर में आज दिन भर हम घूम रहे हैं और ऐसे में करावल नगर की क्या मुख्य समस्याएं हैं, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मैं लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहा हूं। करावल नगर में केजरीवाल सरकार ने विकास करवाए कि नहीं करवाए, आप देख सकते हैं करावल नगर का ये पुस्ता रोड माना जाता है एरिया, पुस्ता रोड कहते हैं इसे, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, करावल नगर के लोकल लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश शर्मा। क्या लगता है करावल नगर का विकास हुआ है? बहुत हुआ है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं करवाया, डिस्ट ने काम करवाया यहाँ पे। समस्याएं क्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं, सबसे बढ़िया काम चल रहा है इस टाइम पे करावल नगर, सारी गलियाँ सही हो रही हैं, कैमरे भी लग चुके हैं सब गली में और उनका अच्छा काम चल रहा है इस टाइम पे केजरीवाल का, और इस टाइम पे कोई ठीक सब कुछ चल रहा है। मोहल्ला क्लीन नहीं, अब ये तो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, यहाँ खुलवाई नहीं, उनकी मर्जी है क्या और कहाँ पे, इधर तो है नहीं, अपने करावल नहीं है, ऐसा कोई नहीं मार पड़ते तो हॉस्पिटल है सरकारी, यहाँ कोई आस पास में नहीं है, यहाँ पे डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी दवाई मिलती है वहाँ पे, दवाइयों की भी तो मिलती है मगर सी। स्कूल की बात करें, स्कूलों की क्या लगता है? यहाँ एक डिस्पेंसरी है, वो यहाँ से काफ़ी दूर है भाई, क्षेत्र में कोई ना डिस्पेंसरी है ना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी है तो चौक के उधर है, चौक से पार हो जाते हैं करावल नगर, उसमें है, बाकी जीरो पुस्ता पे जाते हैं सारे। समस्या ये भी रहती है पानी की समस्या रहती है, जो नहर ओवरफ्लो हो, पानी की समस्या तो यहाँ इतनी हैगी कि कभी पानी इतना गंदा आता है जो कि पिया भी नहीं जाता है, दूसरा कभी आता है आ जाए महीने में 15 दिन में एक आध दिन आ जाए पानी सही आ जाए, नहीं बनना कोई पानी सही नहीं आता। जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं क्या लगता है वो जीतेंगे यहाँ से? कहानी ये इसके लिए बारे में नहीं कह सकते कौन जीता कौन नहीं जीता, बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। और यहाँ एक समस्या और भी है, जो यहाँ नहर ओवरफ्लो होकर पानी अंदर को आ जाता है, वो तो गलियों में आता है, जो नाला हमारा बना हुआ है ना, इसमें कोई ऐसी चीज आएगी नाला ओवर हो जाता है तो पूरी गलियों में पानी भर जाता है। और क्या समस्या है यहाँ पे आप बताइए? और तो सब सही है, बिजली का बिल आता है आपको? बस बिजली का बिल, बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो नहीं लग रहे उसमें? नहीं नहीं अभी नहीं लग रहा। अरे भाजी तो उसके तो ऐसा समझो कि जरा से कोई काम नहीं होता, उसके इतने बिल आ रहे हैं जो कि हम तो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। जी हाँ, केजरीवाल सरकार कह रहे हैं हमने 200 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमने स्टार्टिंग में 1 किलोवाट का लोड लगवाया और उन्होंने अपने आप 5 किलोवाट कर दिया, फिर उन्होंने वो वैसा कर दिया, जबकि वो 12 रुपये यूनिट आ रहा है, जबकि हमारे को बिल ऐसे आ रहे हैंगे कभी 18,000 का दे दिया, कभी 22,000 का दे दिया, कभी 25,000 का बिल मेरे पास रखा हुआ है। चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे मानते हैं आप करावल नगर के? करावल नगर के अंदर जैसे अभी दुर्गेश पाठक जी आए हैं, उन्होंने आते ही यहाँ पर गलियाँ बनाना चालू कर दी है, अभी तो ये पावर भी नहीं है दुर्गेश पाठक जी के पास, मगर फिर भी ये 3 महीने से हमारे जो पहले विधायक थे उन्होंने 3 साल पहले यहाँ से विधानसभा से लुप्त हो गए श्री कपिल मिश्रा जी, और यहाँ दुर्गेश पाठक जी ने भी 3-4 महीने से कमान संभाली है, सारी गलियाँ नालियाँ और ये सब कुछ बनना चालू हो गया है, और उनके इस काम से बहुत लोग यहाँ के खुश हैं और आने वाले समय में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 70 विधानसभाओं में से नंबर 1 विधानसभा करावल नगर की होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट दुर्गेश पाठक जी को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आप स्कूल जाते हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में बैठी हूँ। बहुत ही अच्छी, पहले से बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं, अब दिल्ली की पूरी जनता देख रही है, सभी छात्र देख रहे हैं, सभी बुजुर्ग महिलाएं देख रही है, बुजुर्ग लोग देख रहे हैं कि हर चीज में कितना डिफरेंस आया है,
क्योंकि 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो अब हो रहे हैं। पढ़ाई में आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा जो है पढ़ाई में डिफरेंस आया है। अब पायलट मिशन स्कूल में तैयार हो गया है तो सभी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं। जो टीचर्स हैं वो विदेशों से ट्रेनिंग लेकर हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो हर चीज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक्टिविटीज होती है स्पोर्ट्स को लेकर, बिल्कुल स्पोर्ट्स को लेकर क्लासिकल डांस वगैरह, मतलब हर चीज में स्पोर्ट्स में भी होता है। अलग अलग स्टेडियम्स में भेजते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, और भी इससे रिलेटेड काफी चीजें क्या बोलते हैं अच्छी हो रही हैं, अच्छे काम चल रहे हैं। और बात की जाए इस एरिए में तो और क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले चुनाव में? चुनाव में तो जी देखो मुद्दे तो यही पानी बिजली के ही ज्यादा चल रहे हैं, पानी बिजली के ही मुद्दे हैं यहाँ है इस करावल नगर में। और बात की जाए करावल नगर की, जो जनता है वो क्या चाहती है, उसका विधायक कैसा हो, क्या काम रह गया उसका? ये चाहती है कि हमारा काम हो, कोई भी पार्टी आवे, जनता को तो काम से, काम का मतलब है बेरोजगारी है, रोडों पे आदमी खड़े नहीं होने देते, रोजगारी है और बेरोजगारी ज्यादा है सबसे ज्यादा, पटरी लगाए तो की बात की। युवा कुछ है यहाँ पे, इनसे पूछते रोजगार मिला नहीं मिला, आप लोग युवा है यहाँ करावल नगर में, क्या लगता है रोजगार कोई काम नहीं? जी जी कोई रोजगार नहीं है, मुझे तो कोई रोजगार नहीं, फ्री की लाइट कर दी, इकोनॉमी को हमने नुकसान लगा, वाई फाई से क्या फायदा मिला है, डिजिटल होता है चलता ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है, लगे हैं सर जी सर, लगे फायदा तो है सर, बहुत कुछ अभी हो रहा है सर। सर ने कहा था कि अभी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि सारे लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में है, फिलहाल एनजी के कामों की वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा था, इस वजह से सर अब हो रहा है सर, चेंजेस तो आ रहे हैं सर, धीरे धीरे हो रहा है सर, अब आ जाए सर, लेकिन सर काम तो अच्छा किया है सर, वो पढ़े लिखे हैं और उससे कुछ कर तो सकते हैं सर देश के, पढ़े लिखे युवा हैं, काम हुए हैं और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी है। आप लोग करावल नगर में रहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है क्या मुख्य मुद्दे हैं इस चुनाव में करावल नगर विधानसभा क्षेत्र? भाई क्या बताएं, मुद्दे तो कुछ दिखाई दे तो बताएं, अभी ये इलेक्शन पे वक्त दुनिया करती है, जैसे इलेक्शन पे ये लोग कर रहे हैं ऐसे दुनिया करती है, साढ़े चार साल में किसने क्या किया, ये तो चुनाव का जब समय आता है तो दिखावा होता है, ये तो बस ये तो होता ही है, थोड़ा बहुत आता है वोट बता रहा था। करावल नगर की जनता क्या चाहती है? करावल नगर की जनता चाहती है केजरीवाल ना आए, क्योंकि विकास दिखता नहीं है, फ्री 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 कर रहे हैं, क्या फ्री, सारी जनता फ्री ढूंढ रही, काम करने जाए विकास कैसे होगा, लोगों के पास पैसे कैसे आएंगे, फ्री हो जाने से सब कुछ पैसे हो जाएंगे, खाए सारे खर्चे चल जाएंगे, फ्री फ्री। आपको एक मिनट दिखाऊंगा जी, आप देखिए गली में जाकर के पहली गली देख लीजिए कितना पानी भरा पड़ा है, क्या विकास हो रहा है आप देखिए, पैसे करने से फायदा क्या है, काम जो बंदा करेगा उसको सामने आएगा, आप फ्री काम लगा के देखिए कैमरे से क्या हमारी पोजिशन है इसकी, मंदिर को आदमी जाते हैं तो कचरे में होके जाते हैं, दो मिनट लगेंगे आप लगा लिए उसको, बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं क्या, आप कुछ कह रहे हैं क्या? आप अपने आप देख लीजिएगा यह क्या पोजीशन है, देखो सड़क की कहाँ गलियाँ कहाँ वो बन रही है बताओ, अगर एक आध दो गली कहीं बनवा दे दी, गलियाँ अभी बनी ही हैं, इससे पहले गलियाँ नहीं बनी हमारे यहाँ, हमारी गली हमने खुद पैसे देकर हमने गली बनाई है, अगर आज भी हमारी गली देखोगे ना आप आधी टूटी पड़ी है, वो भी दूर दूर तक, यही क्या नाम है, 3 महीने से ये आ रहा काम हो रहा होगा, इससे पहले कभी काम नहीं हुआ है, काम की बात जहाँ होती है, फ्री नहीं चाहिए किसी को भी, पैसे देने को हर बंदा तैयार है, पैसे की कोई बात नहीं है, अरे काम तो होए, आज भी गलियां ये 4 गलियां भी बनी है, एक गली दो गली इनके पीछे ही गलियां अभी बनी है कुछ टाइम पे ही, इससे पहले कभी नहीं बनी, आज रोड का हाल अभी देख लो आप, 4 दिन हुए सिर्फ, 4 दिन में क्या काम कर सकता तुम, सोचा मान रहे इस बार चुनाव में विधानसभा चुनाव में करावल नगर की जो जनता चाह रही है उसका विधायक कैसा हो, उसको लेकर बात करें टक्कर है यहाँ पे जो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बात करें, टक्कर तो रहेगी क्योंकि आम आदमी ने पार्टी ने कुछ करा नहीं, ठीक है ना, जिसने करा वो वोट ले जाएगा, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि भाई बेमतलब में फ्री के ठप्पे पे ठप्पा लगा दे, जनता जागरूक है, जो काम करेगा वो जीतेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो काम करेगा वो वोट ले जाएगा, किसी भी पार्टी का कोई बंदा नहीं है यहाँ, ना बीजेपी का ना आम आदमी पार्टी का, इस जो सीवर है इस मेन रोड तलक का चालू नहीं है, गलियों के तो बाद में चालू होंगे, सीवर की भी समस्या है, बिजली ठीक है, पानी की समस्या है और लोग जो है टैंकरों में पानी भर के लाकर घरों में पीते हैं, और करावल नगर की जनता
जो कहती है जो करावल नगर में हालांकि जो कपिल मिश्रा थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन विकास के मुद्दे पे बात करें तो यहाँ की जनता कहीं ना कहीं नाराज भी है और कह भी रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो टक्कर की। आगे भी आपको लेकर चलेंगे, आगे भी दिखाएंगे तस्वीरें। करावल नगर में लगातार घूम रहे हैं हम, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गली में आया हूँ, करावल नगर की गली है, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसी गली में रहते हैं? हाँ भैया, इसी गली में रहते हैं। क्या लगता है केजरीवाल सरकार ने काम करवाया? कुछ भी नहीं करवाया, पानी भर जाता, इतनी परेशानी होती, इतनी दिक्कत होती है कि क्या बताएं आपको। नाली का हाल देख लो भैया, केजरीवाल का ही कह रही हूँ, नाली का हाल देख लो, कहरा है, अपने आप ही करवाइए सबके प्राइवेट कंपनी में। हाँ, कोई भी कोई यहाँ नहीं आता है, एक बार भी कोई नाली साफ करने नहीं आता। 500 बार बोलिए तब जा करके कहीं एक बार आएगा, कहेगा कि ये गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं आएगी हमारी, फलाना नहीं आएगा। अरे भाई ये क्या हुआ, ये गली में इतना पानी लगता था घुटने से ऊपर, हमने खुद बनवाया है, ये 25 गज रह गया है और हम कहते कहते थक गए, सबको कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। गली गली बनी है, आप लोगों ने खुद बनवाया है? खुद बनवाया है अपने पैसों से हमने। और क्या समस्या है यहाँ? नाली तो कभी कोई साफ करने आता ही नहीं है भैया, अपने आप कर लो तो कर लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, बदबू आए चाहे कीड़े हो जाए कुछ भी हो। स्कूल की बात करें, यहाँ पे स्कूल कैसी पढ़ाई हो रही है? स्कूल की तो जी सरकारी स्कूलों में तो ऐसी पढ़ाई है जी, इतनी वो बात तो है नहीं जितनी जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं भाई पढ़ाई का वो है, इतना सुधार तो हुआ लेकिन इतनी नहीं है जितनी कह रहे हैं। स्कूल तो बहुत अच्छा है जी, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, मेरी लड़की मेरे भी बच्चे जाते हैं सरकारी में। बाकी एक तो नाली की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, नाली की सफाई कभी नहीं होती, और दूसरी हमारी गली नहीं बनी एक बार भी, अगर गली वालों ने खुद बनाई है तो बनाई है, वरना तो नहीं बनी। पीने का पानी गंदा आता है, नेता इनके बीच आते नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, और भी लोगों के बीच में लेकर चलेंगे आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे लोगों से और बातचीत करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। करावल नगर से आम आदमी पार्टी के के उम्मीदवार हैं दुर्गेश पाठक। पाठक जी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन आखिर आज चुनाव मैदान में आ गए, क्या वजह रही? पता नहीं, भगवान ने शायद यही लिखा था, और यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए दिल्ली आया था, तैयारी कर रहा था, इसी बीच में अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो गया, मुझे भी लगा कि समाज के लिए कोई बढ़िया काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है, मुझे भी जाना चाहिए था, इतना सोच के नहीं आया था कि कभी यहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन बस एक एक दिन गुजरता गया, ईमानदारी से जो काम मिलता रहा वो काम करते रहे और आज आपके बीच में है। दूसरे पार्टी के जो उम्मीदवार है उसको कैसे देखते हैं, बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें? कांग्रेस तो है ही नहीं, दूसरी चीज़ की बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है, कोई बीजेपी को लोग क्यों वोट दें ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, ना उनके पास कोई सीएम कैंडिडेट है, ना उनके पास दिल्ली को लेकर कोई पॉलिसी है, किसी दिन कोई कुछ बोलता है, किसी दिन कोई कुछ बोलता है, उनके यहाँ 12-13 सीएम के कैंडिडेट हैं जो आपस में लड़े हैं, एक दूसरे को हराने में लगे हैं, तो बीजेपी से मुझे लगता है इस बार 67 पार होगी, 70 की 70 सीटें आएंगी। पहला ऐसा काम कौन सा रहेगा जो विधायक बनने के बाद करेंगे? सबसे पहला काम यह है कि जो हमारा यूजीआर बनके तैयार हो गया है जिससे पानी की समस्या करावल नगर की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, सबसे पहला वो, दूसरा सोनिया विहार पुस्ते का चौड़ीकरण, तीसरा करावल नगर रोड, और चौथा है इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए ऊपर काम करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कार्य करावल नगर के में विकास हुए हैं। आप करावल नगर में रहते हैं? करावल नगर में विधानसभा, करावल नगर सोनिया विहार। क्या लगता है यहाँ पे काम हुए? देखो विधानसभा में जो पुराने काम थे विधायक के टाइम के वो काम पूरे हुए, नए काम कोई नहीं हुए हैं। बिजली पानी की समस्या दूर हुई? बिजली पानी की समस्या देखो, बिजली पानी की तो यहाँ से पहले से कोई समस्या नहीं, जो है घरों में कनेक्शन तो मिला नहीं, और जाके पुरानी लाइनें जो गलियों में चालू वो पहले से ऑलरेडी चालू, ऐसी कोई बात ही नहीं। स्कूल है यहाँ पे? स्कूल बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। के क्षेत्र में यहाँ पे काम हुआ, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें? कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं सोनिया विहार में, कोई नहीं। हाँ, करावल नगर क्षेत्र में अगर कहीं बनाए हो तो बता नहीं सकते, सोनिया विहार में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। अच्छा, तो विधायक थे यहाँ से वो पहले कपिल मिश्रा थे, उनको हटा दिया गया? हाँ, वो हटा किया दिया गया, खुद ही बागी हो गए, बागी हो गए, खुद ही बागी हो गए। तो अब जो चुनाव है ऐसे में कैसा कैंडिडेट चाहते हैं आप? हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारे एरिए का विकास करे। क्या विकास कार्य की बात करो, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या सब सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, पढ़ाई लिखाई सब सही है, स्कूल सब सही है। आपको क्या लगता है समस्या ही समस्या है जी यहाँ? यहाँ कार्य नहीं हो रहा कुछ भी, 5 साल में विधायक थी वो आए नहीं कभी, तो हम किसको वोट दें? तो इस बार दुर्गेश पाठक भी हैं, बीजेपी से बिष्ट साहब हैं, तमाम लोग हैं, कैंडिडेट दिग्गज हैं, क्या लगता है इस बार फाइट है, मुकाबला है? हाँ जी फाइट है दोनों में। दोनों फाइट? हाँ जी।
क्या लगता है क्या काम होना चाहिए यहाँ पे? काम विकास, हमें तो विकास चाहिए जी। कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो। बिजली का बिल आता है? हाँ जी, हाँ जी। बिल आता पानी का नहीं आता जब है ही नहीं टंकियाँ। 200 यूनिट तक तो केजरीवाल ने फ्री कर रखा है। कुछ फायदा नहीं है जी, कुछ फायदा नहीं है। 200 यूनिट घर वाले पे कर दिए हैं, उस पे दुकान वाले पे हमें वो कर दिए कमर्शियल पे। आपको क्या लगता है जो काम हुए केजरीवाल सरकार में? बढ़िया कर रही है जी केजरीवाल सरकार, बिल्कुल आम आदमी की वोट है यहाँ पे। हाँ जी, पूरे विधानसभा की बात करें, करावल नगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की, तो और क्या मुख्य मुद्दे हैं चुनाव में? विधानसभा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये सोनिया बिहार का जो पूछता है ये डबल होना चाहिए। इस पे इतना जाम लगता है, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, लोग आने जाने वाले परेशान होते हैं। मेन मुद्दा तो सोनिया बिहार का ही है। दूसरा मुद्दा है एक भी स्टैंड इन्होंने नहीं बनाया, लेडीज बेचारी परेशान होती कहाँ पर खड़ी, वो बस वाले कहते हैं यहाँ स्टैंड नहीं, वहाँ लेकर के वहाँ चले जाते, चौहान पट्टी तक चले जाते। एक भी स्टैंड नहीं रखा गया है, एक भी स्टैंड नहीं रखा गया है। साफ सफाई की दिक्कत है यहाँ पर, सफाई वाले नहीं आते यहाँ पे। सफाई वाले आते जब इलेक्शन आता तो दिखाई देते हैं, 2 बजे तक दिखाई दे देंगे, इलेक्शन खत्म हो जाए तो 15 गलियों के कूड़े नहीं उठते। नालियों की बात करें तो नालियाँ ठीक है यहाँ पर? ओवरफ्लो नालियाँ नहीं होती है? नहीं, ओवरफ्लो नहीं होती। ये लोग करावल नगर से, आप लोग भी यहीं से हो रहा? यहाँ तो हर चीज, पानी का भी सुविधा मिल गया, बिजली का भी सुविधा मिला है, कैमरा भी लग गया गली गली में, लग गया भाई, लग गया, उन्होंने काम बढ़िया किया भाई। आप लोग यही से हो क्या लगता है? हाँ जी, क्या लगता है समस्या क्या है इसमें? समस्या सर यही है कि रोड नहीं बन रहा है, ठीक है। पहला समस्या ये है क्योंकि इस पे ट्रैफिक होता है, एक्सीडेंट होता है, पब्लिक मर रही है, ठीक है। तो हमारी समस्या ये है कि रोड बननी चाहिए। युवा है आप, हाँ। होने के नाते क्या सोचते, कैसे विधायक होना चाहिए? सर देखिए, विधायक तो केजरीवाल ठीक है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन रोड बनवाना चाहिए क्योंकि रोड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है पब्लिक की, ट्रैफिक जाम, बहुत पब्लिक मर भी रही है, ऐसा होता है सर जी। समस्या सर ये सीवर नालियाँ बन रही हैं लेकिन बस काम चालू करके आधे पे रोक दिया जाता है, बस काम पूरा नहीं हुआ। सर काम चालू होता है, बंद कर देते हैं, आधे रोक देते हैं, उसके बाद फिर आगे दूसरा काम शुरू कर देते हैं। सर स्कूल की स्थिति है कि बच्चे खेलने जाते हैं, हमारे हिसाब से सरकारी टीचर है पढ़ाते नहीं है, पढ़ने नहीं जाते बच्चे क्या पढ़ने जाते हैं? सरकारी टीचर है, अपने कुर्सी लगे बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अपने अपने बच्चे अपना खेल रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी छत पर चढ़ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई भी पढ़ाई नहीं होती। पीने का पानी तो ठीक आता है सर, पीने का पानी ठीक आता है, लेकिन कहने का मतलब है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आप लोग यहीं से क्या लगता है? आप लोग समस्या तो बहुत है, पर वही है कि रोड वोड है, इसमें यहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, इस रोड पर बहुत ज़्यादा रोज एक्सीडेंट होता है, एक आधा एक्सीडेंट रोज होता है यहाँ पे। ये रोड वैसे डबल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, डबल हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग बनी है स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल बनी है सर, पढ़ाई नहीं होती सर। और क्या है, महिला सुरक्षा की बात, सीसीटीवी कैमरे लग रहे सर? जी जी, सीसीटीवी हर गलियों में लग रहे हैं, बाकी रोडों पे भी हैं, लाइट भी लग रही हैं, कुछ अभी ऐसे बाकी हैं कि लाइट नहीं लगी हैं, कुछ गलियां ऐसी हैं कि लाइटें टूटी हैं, लाइटें लगी नहीं हुई हैं। हाँ सर, लाइटें नहीं लगी है। तो इस बार का चुनाव जो देख रहे हैं, किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, क्या नेता क्या कहते हैं आगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर देंगे? कहते तो सर बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है ना, यही तो बात है। कहते बहुत कुछ है कि ये कर देंगे वो कर देंगे लेकिन करते नहीं है ना, जीतने के बाद तो सब पीछे हो जाते हैं। अभी जब इलेक्शन है ना, वोट लेना है, तो इसलिए वो आते हैं, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं या हार जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, जीत जाएंगे तो साइड हो जाते हैं, उसके बाद पब्लिक कहाँ मर रही है, क्या कर रही है। आप करावल नगर से, हाँ जी, क्या लगता है क्या काम होना चाहिए, क्या काम हो गए? बहुत सारे काम हुए भाई साहब, ज़्यादातर जो परेशानियाँ थी वो दूर हो गई, पानी समस्या थी वो भी दूर हो गई, लाइट की दिक्कत थी वो भी अब ठीक ठाक चल रहा है, 200 यूनिट केजरीवाल ने फ्री भी किया है, और मेरे हिसाब से और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम जो चल रहा है। हाँ है, ये बगल में है मोहल्ला का। हाँ बिल्कुल आते हैं, बराबर आते हैं। कहाँ पे मोहल्ला? नहीं है, वहाँ पे सोनिया बिहार में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। कहाँ है जी? पता नहीं, हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं है जी, वो तो सरकारी है, सरकारी है मतलब सरकारी है वो। अच्छा, वो मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला का बना हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने बनाया है, मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, अलग है।
वो सरकारी अस्पताल है जो आप बता रहे हो, सरकारी अस्पताल है वो सरकारी डिस्पेंसरी आज तक चालू भी नहीं है। और जो ये डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक एक भी नहीं, क्या लगता है आप लोग यहीं का क्या लगता है? काम बहुत अच्छा कर रहा है केजरीवाल, तो काम बहुत अच्छा कर रहा है। अब देखो भड़काने वाले तो बना नहीं है, लेकिन बनने के लिए प्रोसीजर कह रहे पास हुआ है। इतना अच्छा काम ये कर रहा है, शायद कोई कर रहा होगा, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल दूर है भाई साहब। हमारी तरफ से केजरीवाल इज द बेस्ट, ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं। भड़काने वाले तो केजरीवाल के अलावा किसी को आने की जरूरत ही नहीं है भाई यार। नहीं, केजरीवाल जी ने काम सही कर रहे हैं, लेकिन लेकिन देखिए जीतने के बाद क्या होता है वो तो केजरीवाल ही बता सकते हैं। गारंटी कार्ड दिया है, ठीक है, जीत सुनिए सुनिए मेरी बात, जो भी हम रहेंगे हम ये काम करेंगे। सुनिए, केजरीवाल भी हो चाहे कोई भी हो, जीतने के बाद कोई झांकने नहीं आता नेता की, जो यार का इतना काम किया और कोई नेता काम किया ही नहीं भाई। हम तो ये चाह रहे हैं कि इस कॉलोनी को केंद्र सरकार ने पास किया, ठीक है, केजरीवाल के बस का नहीं है। जब केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो क्या दिल्ली सरकार कर सकती है? पास हुआ है, पास हुआ है। अगर लिस्ट दिखाऊं तुम्हें, आओ आओ पैर में दिखाता हूँ, तुम लगाओ तुम्हें कल दिखाऊंगा। अरे हाँ, कोई नेता आया ही नहीं है, दे रहा मिली आपको रजिस्ट्री मिली आपको, जो काम उन्होंने किया है, ठीक है, आवाज आ रही है। ये तमाम लोग हैं जिनका साफ, कुछ लोग कह रहे काम हुए, कुछ लोग कह रहे नहीं काम हुए। अगर बढ़िया काम किया, बहुत काम किया, चाहे हॉस्पिटल से है, हॉस्पिटल से है, चाहे उससे, उसके बाद स्कूल से लिए, सब गरीब के लिए, सबके लिए केजरीवाल बढ़िया काम किया, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। नेता हो तो केजरीवाल जैसा, जो फैसिलिटी यहाँ पे है शायद किसी राज्य में होगी। फिर भी हम केजरीवाल के चले जाओ, यूपी वाले कहते हैं भैया हमें दिल्ली जैसा मुख्यमंत्री दे दो कि हम भी वैसे राज करें, और कहते हैं काम ही नहीं हो, कौन सा काम। जो फैसिलिटी यहाँ मिली शायद किसी राज्य में मिली होगी, हमारी तरफ से तो केजरीवाल। हमारे कहने का मतलब सर ये है कि जो केंद्र में मोदी को लाया जाए और दिल्ली सरकार में केजरीवाल को लाया जाए, सम सीधी एक बात। हम विधानसभा की बात करें, करावल नगर की बात करें, यहाँ की जनता क्या चाहती है? यहाँ की नहीं, पूरे दिल्ली की जनता यही चाहती है कि केजरीवाल बने सरकार, ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से काम भी करे केजरीवाल। कहने का मतलब ये कि जीतने के बाद, देखिए मेरी बात सुनिए पहले, जीतने के बाद उन्होंने क्या किए हैं, साइड हो जाएंगे, आप मर रहे हो या जी रहे हो कुछ नहीं देखने आएंगे, सही बता रहा हूँ। अभी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है लोगों से, और आपने देखा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति, और ये खास तौर पे ये जो एरिया है यमुना के किनारे है, और यही वजह है कि यहाँ पे जो मुख्य समस्या रहती है इनकी, जल भराव की, नालियों की। हालांकि काम हुए हैं केजरीवाल सरकार में, जैसा कि लोगों का कहना है। तो आज आपने हमारे साथ देखा करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या कहती है जनता, आपने उनको सुना। फिलहाल के नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा क्षेत्र से। कैमरा पर्सन विनय बाबुना के साथ मुकेश मंडल, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली।